जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इसे वजल कुबा कहा जाता है। ये एक नई स्ट्रीट बनाई गई है बिल्कुल मदीना पाक में मस्जिद नबी के बिल्कुल पास। जैसे ही आप सलाम अर्ज करेंगे और सलाम अर्ज करने के बाद जैसे ही मेन रोड पर आएंगे तो आपको ये एक स्ट्रीट मिलेगी। और इस स्ट्रीट पे सबसे जो मेन और जो उसकी ख़ास बात है वो ये है कि आप यहाँ पर जाते हुए जैसे चहलकदमी करते करते 2 किलोमीटर का सफ़र बनेगा और उसके बाद आप डायरेक्ट मस्जिद कुबा पहुँच जाएंगे। जैसे आप सलाम अर्ज करेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे सलाम अर्ज करके आप बाहर आएंगे मेन रोड के ऊपर, तो आपको ये स्ट्रीट मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने पैदल चलते हुए जाना है और उसके बाद तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको मस्जिद कुबा मिल जाएगी। और मस्जिद कुबा में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, प्लेग्राउंड बनाए, फास्ट फूड, हर किस्म की यहाँ सहूलियत मौजूद है। आपको सोना खरीदना, कपड़े, कोई भी दुनियावी कोई भी ज़रूरत की कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे ख़ास बात लगी है, यहाँ पर प्लेग्राउंड बनाए गए हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ दें, इंतज़ामिया वो उनको संभालेगी और आप मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ें या आप मार्केट में शॉपिंग करें, आपके बच्चे सेफ हैं। तो और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह ताला पूरा मार्केट को विज़िट करवाता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। जैसे कि ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता मस्जिद नबी से आ रहा है और सीधा मस्जिद नबी से हमें रमज़ान का मंच चल रहा है और तरावी की नमाज़ ख़त्म हुई है और कभी कहीं मस्जिद हो भी रही है और ये लोग मस्जिद नबी से आ रहे हैं। और अगर हम सीधा इस जगह पर जाएँगे तो ये कुबा का रास्ता जाएगा, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का ये वॉकिंग डिस्टेंस है और हम सीधा मस्जिद कुबा में पहुँच जाएंगे। माशाल्लाह खूबसूरत बनाया गया है, रमज़ान का दिन है, आज छुट्टी है और छुट्टी के लिहाज से बहुत अच्छा इन्होंने ज़बरदस्त लोग यहाँ पर आए, आज छुट्टी है, लोग यहाँ पर इन्जॉय करने के लिए आए हुए, फैमिलियों के साथ आए हुए, बच्चे हैं छोटे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर आप ये जालियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ दें और आप मार्केट का विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंतज़ामिया जैसे खड़े हुए ये आपके बच्चों की टेक केयर करेंगे और बच्चों को संभालेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने ये बनाए हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त एक निज़ाम बनाया है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये गोल्ड की शॉप है, ये गोल्ड की शॉप है, यहाँ पर आप सोना अगर किसी ने खरीदना है तो सोना खरीदें और उसके अलावा हर किस्म की हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी माशाल्लाह। माशाल्लाह जुमे का दिन है अभी तरावी की नमाज़ ख़त्म हुई है और ये रास्ता सीधा मस्जिद कुबा पर जा रहा है। हम पैदल चलते चलते जैसे कि पहले हुआ करता था कि अगर मस्जिद कुबा पर हमें जाना है तो जाने के लिए हमें गाड़ी में टैक्सी या कोई भी गाड़ी हायर करनी पड़ती थी, उसमें हम मस्जिद कुबा जाते थे। लेकिन अब ये कि आप माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत मंजर देखते जाएँ और मस्जिद कुबा तक पहुँच जाएंगे जिसमें आपको हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, खाने के हर आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ है। जैसे कि आइसक्रीम की शॉप है, ये बकाला है, बकाला अरबी का लफ्ज़ है, जैसे हमारे जनरल स्टोर होता है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त कुर्सियाँ बनाई गई हैं, ये इंतज़ामिया है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत एक इन्होंने तब्दील करा है। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले होते हैं और यहाँ पर साइकिल रेंट पर मिल जाती है, जिससे ये होता है कि आप यहाँ पे साइकिल लें और पूरे जो 2-3 किलोमीटर है आप साइकिल पर भी घूम सकते हैं। और ये गिफ्ट शॉप है माशाल्लाह, ये सारी साइकिल की शॉप है, यहाँ से आप ये कि रेंट पे साइकिल ले सकते हैं और पूरे मार्केट का विज़िट कर सकते हैं माशाल्लाह। ये सारी गोल्ड की शॉप है माशाल्लाह, मौसम भी बहुत अच्छा है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक और शॉप है, यहाँ पे जाए नमाज मिल जाएंगे हर किस्म के और खूबसूरत और लेडीज ड्रेस हैं जो सऊदी गवर्नमेंट लेडीज पहनती हैं और ये सारी गोल्ड की शॉप है, सारी गोल्ड की शॉप है और ये इसी तरीके से कैफेटेरिया बनाए गए हैं माशाल्लाह।
का एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक सीट को बनाया है। देखिए माशाल्लाह किस खूबसूरत तरीके से डेकोर किया गया इसको, आप आए आराम से बैठे हैं और माशाल्लाह ये एक मार्केट है जैसे कि आप देख रहे होंगे कुल्लू शेख हमसा रियाल, यानी कि इस मुद्दे पर हर चीज़ 5 रियाल की है। अगर हम इस सुपर मार्केट में जाएंगे तो यहाँ हर चीज़ 5 रियाल की मिल जाएगी, नीचे नहीं। और अगर ये एक छोटी सी मार्केट है, इधर भी इन्होंने एक ये लेडीज कपड़ों की शॉप है, लेडीज दवाएं यहाँ पर मिल जाएंगे जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत दवाएं, ये लेडीज ड्रेस है की शॉप में। और आप ये बिल्डिंग देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, और तकरीबन इन्होंने जो इंतज़ामिया है मदीना की, इनका जो सबसे अच्छी चीज़ है जितनी भी बिल्डिंग है सब एक जैसी है, सबका कलर एक जैसा किया हुआ, और जैसे कि आप साइन बोर्ड जितनी भी शॉप पे देख सकते हैं सबके सेम है एक जैसा, और बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं माशाल्लाह। ये लेडीज़ परस की शॉप है और भी लेडीज़ के आइटम हैं, ये तकरीबन यहाँ पर सारी गोल्ड की शॉप है। सबसे अच्छी बात यही है कि जैसे हम हमारे जो हाजी हजरात आते थे उनको शॉपिंग करने के लिए मार्केटों में जाना होता था, क्योंकि मार्केटें कुछ हरम से दूर हैं, टैक्सी करवाना पड़ती थी, उनको जगह का नहीं पता था। इसकी जो स्ट्रीट की सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर किस्म की हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और सोना हो, जूती, कपड़ा और खजूर, हर किस्म की जो भी आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है वो आपको इस मार्केट से मिल जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात आप वॉक करते रहें और आप मस्जिदों को पता पहुँचेंगे, ये एक सबसे अच्छी बात है। जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग है सबका कलर वाइट है, सबका कलर वाइट है, और जितनी भी शॉप्स हैं सब अलग अलग आइटम, लेकिन ये है कि साइन बोर्ड जितने भी हैं सब सेम है, एक जैसा कलर है और एक जैसी उनके ऊपर वर्डिंग होती है। ये सारा मेरी लेफ्ट साइड पे ये सारे लेडीज़ शॉप हैं, यहाँ पे लेडीज़ जो भी चीज़ें होती हैं वो मिल जाएंगी, पाए मिल जाएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें जो हमारी लेडीज यूज़ करती हैं। माशाल्लाह बहुत पुरसकून माहौल है, किसी किस्म की गाड़ियों का कोई शोर शराब नहीं है, बस आप चलते जाएँ मार्केट को देखते जाएँ और सुबह मंदिर तक पहुँचे जाएँ माशाल्लाह। एक मार्केट है मिनी छोटी मार्केट, इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, दो
लोशन पड़े हुए हैं बहुत सारा। मस्जिद के मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कुबा मस्जिद के मीनार हैं। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं जो आतिशबाजी कर रहे हैं, और ये भी बहुत अच्छा एक ग्राउंड है, यहाँ पर भी आप फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। बच्चों के लिए ये जो बच्चे साइकिल चलाते हैं और उसके अलावा खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है, ना किसी गाड़ी का डर ना किसी और चीज़ का। फैमिली आई हुई है, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह हरमेन है और यहाँ पर नाचने के बहुत अच्छी जगह है, और उसके अलावा खाना पाकिस्तानी खाना यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत अच्छा। यहाँ पर साइकिलें रेंट पर मिलती हैं, आप ये देखें ये रश है, बच्चों की साइकिलें यहाँ पर रेंट पर मिलती हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों को साइकिलें रेंट पे मिल जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश शुरू हो गई है और बूंदाबांदी हो रही है, काफ़ी अरसे बाद मदीना पाक में बारिश देखने का मौका मिल रहा है। जैसे देख
सकते हैं यहाँ हर चीज़ 3 रियाल की है, जितने भी आइटम अंदर होंगे सब 3 रियाल के होंगे। और मदीना मुनव्वरा की खूबसूरती, यह है मदीना मुनव्वरा, यहाँ पे हर कौम, हर नस्ल, हर मुल्क का बाशिंदा आपको मिल जाएगा। मसर, सूडान, पाकिस्तान, हिंद, पाकिस्तान, अमरीका। देखिए माशाल्लाह, छोटे बच्चों के लिए अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपने किसी ने शॉपिंग करनी है या उसके अलावा आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ दें, बच्चे यहाँ पर खेलते रहेंगे। माशाल्लाह इंतज़ामिया है जो उनकी देखभाल करेगी, और ये जंगला लगाया हुआ है बकायदा, इन्होंने ग्रिल लगाई है, बंद किया हुआ है, आपके बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर सेहत है, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा माहौल है। देखिए माशाल्लाह बच्चे कितने खुश हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग हैं, इन बच्चों की केयर करते हैं, उनको खेलते हैं, और भी बहुत ज़्यादा। हाँ ये देखिए, ये पूरा एक कवर है, पूरा इसको एक कवर किया गया, एक घर है माशाल्लाह बहुत बड़ा, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज होंगी जिनके बच्चे होंगे जो यहाँ पर छोड़ कर चले गए, और उनकी यहाँ पर माशाल्लाह केयर की जा रही है, और बच्चे बहुत खुश हैं। ये मट्टी है, बहुत खूबसूरत एक स्लाइड बनाई हुई है, और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह। अब इनके माँ बाप जो होंगे, हो सकता है कोई शॉपिंग करने गया, कोई नमाज पढ़ने गया, और बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह खेल में मसरूफ हैं। और उसके अलावा फैमिलीज़ के लिए यहाँ बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं खाना खाने का, और उसके अलावा कॉफ़ी और भी जितनी भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक इंतज़ाम किया गया है। एक कॉफ़ी शॉप है, फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग आज का? जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं, मस्जिद नबी है, और यहीं से रास्ता शुरू होता है, और जो मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। रमज़ान का मंथ है, मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक, तो हम याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे बताइएगा कि आपकी वीडियो सबको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।